अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रांड एम्बेसडर की ट्रेनिंग के लिए ये पहला सेशन है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर के क्या फायदे हैं। अगर आप बतौर ब्रांड एम्बेसडर के अलहुदा क्रेडिट्स के साथ जॉब करते हैं तो इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ तक इसमें आप सैलरी ले सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर की जो जॉब है ये मार्केटिंग बेस्ड एक जॉब है, इसमें मार्केटिंग करनी है। मेल मेंबर्स भी वर्कआउट कर सकते हैं, फीमेल मेंबर्स भी वर्कआउट कर सकते हैं। ये ऐसी जॉब है जिसमें आपकी सैलरी एक डॉक्टर, एक पायलट, एक इंजीनियर से भी ज़्यादा हो सकती है। सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी के मुताबिक वर्कआउट करना है। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक्स और शेयर कीजिए। चलिए व्यूवर्स शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्यूवर्स, ब्रांड एम्बेसडर एक मार्केटिंग की जॉब है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है और ये ऐसी जॉब है जिसके लिए सिर्फ दो ही स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको ये दो स्किल आते हैं तो आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ना आप लोगों की कोई एज लिमिट रिक्वायर्ड है, ना कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है और ना ही कोई एडिशनल स्किल रिक्वायर्ड है। सिर्फ आप लोगों के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसके थ्रू आप मार्केटिंग करेंगे और तमाम मटीरियल अलहुदा क्रिएटिव्स आपको प्रोवाइड करेगा, हार्ड कॉपी की सूरत में भी और सॉफ्ट कॉपी की सूरत में भी। व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केटिंग की जॉब एक ऐसी जॉब है कि अगर हम इसको किसी भी बिजनेस में से निकाल दें तो तमाम बिजनेस फ्लॉप्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि मार्केटिंग करने के लिए कौन से दो स्किल रिक्वायर्ड है। एक इंसान को जो भी मार्केटिंग का वर्कआउट करना चाहता है उसे बोलना आता हो, और दूसरा वो हाजिर दिमाग हो। अगर उसमें ये दो क्वालिटीज हैं तो वो इजीली ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जॉब कर सकता है, मार्केटिंग का काम कर सकता है। व्यूअर्स, ये वो जॉब है जिसमें आप हजारों और लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज प्रॉफिट बेस के तौर पर स्टाफ को हायर करती है। तो ऐसे ही अलहुदा क्रेडिट्स भी ब्रांड एम्बेसडर्स को प्रॉफिट बेस के ऊपर हायर कर रही है, जिसमें 20% वो प्रोडक्ट के लिहाज से आपको पे करेंगे। व्यूअर्स, इसी तरह अलहुदा क्रेडिट्स आप लोगों को एज ए ब्रांड एम्बेसडर प्रॉफिट बेस पर हायर कर रही है। इसमें 20% आप लोगों को पर प्रोडक्ट पर दिया जाएगा, जबकि 10% आप लोगों को पर कोर्स पर दिया जाएगा। स्क्रीन पर आप लोग जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिटेल मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके हवाले से अलहदा अलहदा वीडियोस प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में बनाई जा रही हैं, जिनको देखना वो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट की डिटेल का पता होगा फिर ही आप सही तौर पर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर सकेंगे। व्यूअर्स, इस ट्रेनिंग के अंदर ये पहला लेक्चर है और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इसमें कवर अप करेंगे व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की पावर्स क्या है, और इसमें एट द एंड हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मिस्टेक्स ऑफ डिजिटल मार्केटर्स, और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एडवांस लेवल पर आप लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन सेल अ प्रोडक्ट इजीली, कैसे आप लोग एक प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट को सेल करने में कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं और उन मिस्टेक्स को आप कैसे क्योर कर सकते हैं, उन पे कैसे काबू पा सकते हैं। व्यूअर्स, आप लोग ये वीडियोस मुकम्मल तौर पर देखिएगा, क्योंकि
हम लोग जो मुल्तान से बाहर से बिलोंग करते हैं उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, और जैसे ही वो ये वीडियोस देखेंगे हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और इसमें से हर वीडियोस में से कुछ क्वेश्चंस आंसर रखेंगे। जो इन क्वेश्चंस आंसर के प्रॉपरली जवाब देंगे उन्हीं को हम ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ मैं ब्रांड एम्बेसडर के कुछ फायदे में से एक ये भी बता दूं कि जिनकी मार्केटिंग बेहतर होगी, जो कि अच्छे तरीके से मार्केटिंग करेंगे, हम उन्हें प्रमोट करेंगे, उनको सैलरी पर भी लेके आएंगे, उनको कमीशन जो कि 20% होगा वो भी देंगे। उसके अलावा हम इसमें बहुत से इनामात बोनस के सूरत में भी देंगे, जिसमें मोबाइल फोन्स, कैश प्राइजेस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा और दूसरे इनामात भी हो सकते हैं। हर 3 मंथ्स के बाद एक ट्रेनिंग सेशन होगा, एक मीटिंग होगी, जिसमें जो मुल्तान और उसके गिर्दो नवा से बिलोंग करने वाले लोग फिजिकली यहाँ पर आएंगे, जबकि जो दूर दराज के इलाकों से होंगे वो लाइवली लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत आपस में कम्युनिकेट होकर उनको तमाम जो रिपोर्ट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ ये भी बताता चलूं, अलहुदा क्रिएटिव्स ने एक चार्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिस चार्ट में पता चलेगा कि जो भी यहाँ पर विजिटर या क्लाइंट आ रहा है वो किसके रेफरेंस से आ रहा है। कॉलम नंबर 1 के अंदर नेम आएगा, जबकि कॉलम नंबर 2 के अंदर किसने उस पर्सन को रेफर किया है ये मेंशन किया जाएगा, और इसकी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इस लिस्ट में आप लोग देख सकेंगे कि आपके रेफरेंस से कितने लोग इंस्टीट्यूट में आए हैं, कितने लोगों ने प्रोडक्ट के हवाले से पूछा है, कितने लोगों ने कोर्सेज के हवाले से पूछा है, और आप लोगों की पेमेंट फौरी तौर पर दे दी जाएगी जैस कैश के थ्रू। व्यूअर्स, इस तरीका कार में साफ और शफाफ मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कोई भी चीटिंग का रोल नहीं होगा। अगर आप लोगों के माइंड में अब तक कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रابطہ करके इसकी फर्दर डिटेल ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, आप लोगों की मिस्टेक्स क्या होती हैं, कैसे आप जल्दी से जल्दी एक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और एक अच्छा कमीशन आप हासिल कर सकते हैं, घर बैठे काम करके ही अर्निंग कर सकते हैं। तो जुड़िए रहें अलहुदा क्रिएटिव्स के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।